या अली मदद, अलवाइज राय अबू अली मिशनरी, वाइज नंबर 564। मौलाना हज़रत इमाम पे सलवात पढ़ो दीनदारो। मैंने आप जमात को अर्ज की थी, चार गिना जो मैंने सिलेक्ट किए हैं उसमें से दो आप सुन चुके हैं और आज ये 25 पाठ का गिनान है। गुरबी सदर दिन माँ बाप का 600 बरस पहले हमारे पीर माँ बाप ने दुनिया में क्या हो जाएगा, किस तरह से दुनिया के अंदर मजहब घटता जाएगा, बदियां गुनाह बढ़ते जाएंगे, और जब आप सुनोगे तो आपके सामने वो सब बनाव बन रहे हैं और जो नहीं बने वो बनेंगे। पड़ फाटी ने नीर उलटियां, नहीं कोई बंधन हार पड़ फाटी ने नीर उलटियां, नहीं कोई बंधन हार गाए त्राटी नहीं वार से नहीं कोई गत में गुवाड़, कड़ी काल कल युग माहे वापियों वीरा भाई के बाद जितने भी पाठ होंगे मैं जरा जल्दी से बोलूंगा, मगर असल राग इसका यह है। फिर मैं वह फरमाते हैं कि पानी का बंद जो है उसको पाड़ कहते हैं, जैसे कि कोई डैम हो वे पानी की तो डैम बनाने के लिए बंद बांधते हैं। किसी वजह से अगर वो बंद टूट जाए तो करोड़ों गैलन पानी बह जाता है और इर्द गिर्द की सब बस्तियां उसके अंदर गर्क हो जाती हैं। अब वो जो बंद टूट गया उसको कोई रोक सकता है? तो गुरपीर सदरदीन माँ बाप का फरमाना यह है कि जिस तरह ये डैम का जो बंद है वो टूट गया और उसको कोई रोक नहीं सकता, दुनिया के अंदर ऐसे बनाव बनेंगे जो मजहब ने कंट्रोल रखा है इंसानों के लिए। मजहब का ये कंट्रोल उस बंद की तरह है। ये बंद अगर टूट गया तो बदियों बुराइयों का ऐसा तूफान निकलेगा और उठेगा कि उसको कोई रोका नहीं जा सकेगा। गाय अगर टूट जाएगी, अपने थान में से रस्सा तोड़ा के भाग जाएगी, छूट जाएगी, ऐसा वक्त आएगा कि उस गाय को पकड़ के वापस बांधने वाला कोई ना होगा। यहां गाय से मुराद इंसान जो नेक हैं, अच्छे हैं,
इस तूफान के अंदर बदियों और गुनाहों के तूफान में अच्छे अच्छे लोग अपना ईमान छोड़ देंगे तो उनको वारने वाला, उनको पकड़ के वापस मोमन बना देवे कोई नहीं होगा। फिर फरमाते हैं ऐसा हाल होगा कि जमात के अंदर कोई गुवार नहीं होगा। गुवार तो बहुत है, मुखी कामड़िया गुवार हैं गत के। पीर के जमाने के अंदर काउंसिलें नहीं थी, सिर्फ मुखी कामड़िया थे, भगत मिशनरीज थे जो जमात को मजहब के ऊपर रखते थे, हिदायत करते थे। लेकिन ऐसा जमाना आएगा कि लोग इनकी गुआल की बात मानेंगे ही नहीं। कली काल कल युग में वापियो, कल युग के अंदर ऐसा काल, काल कहते हैं मौत को भी, काल कहते हैं बर्बादी को, काल कहते हैं गुनाहों बदियों को, काल कहते हैं आपाधापी और तूफान आए उसको भी काल कहते हैं। काले किस्म का, जैसे कि आसमान के ऊपर काले बादल आए, बेहिसाब जोर की टॉर्नेडो की तरह की जबरदस्त आंधियां आए, उसके साथ बारिश भी होवे, इस तूफान के अंदर आदमी का ठहरना मुश्किल है। फरमाते हैं कि ऐ मेरे भाई, जमाना खराब इतना आ जाएगा कि इस तूफान के अंदर खड़ा रहना मुश्किल है। फरमाते हैं ए जी गिनान ध्यान वेद वाई के, नहीं कोई वाचन हार, पाना पुस्तक सर्वे ओढ़विया, वस्त गई रे विसार। गिनान ध्यान वेद और वाइक, फरमान कुरान, इबादत बंदगी नेकी, इनकी तरफ लोगों का ध्यान नहीं लगेगा, नहीं कोई वांछनहार। बहुत सी किताबें पढ़ी हैं, पढ़ने वाले कितने। इस सदर दिन को 600 बरस हुए, इन 600 वर्षों के अंदर जो अभी बनाव बने हैं, अभी भी हजर इमाम की तुफैल से और दुनिया के अंदर बाज ऐसे मोमिनीन हैं कि जिनकी वजह से इमाम के छतर के नीचे उस तूफान से बचने के लिए रस्ते हैं। मगर पीर ने सारी दुनिया की बातें लिखी हैं। मौला की छतर छाया के नीचे हम इस तूफान से बहुत से बचे हुए हैं, लेकिन हमारे यहां भी ये बातें हैं, अपनी जमात के अंदर भी ये बनाव बन रहे हैं। सुबह की इबादत, मौला के फरमान पढ़ना, गिनान पढ़ना, तस्बीह निकालना, नेकियां करना और ये शास्त्र का इलम हासिल करना, फरमाया कोई नहीं पढ़ेगा। पाना पुस्तक सर्वे ओढ़विया, जितने भी किताबों के ऐसी नेकी की, धर्म की, शास्त्र की जो किताबें हैं लोगों के हाथ में आएंगी तो वो किताबें उठाएंगे, उसके पेज फिराएंगे और रख देंगे। मौलाना हजरत इमाम का एक फरमान मुबारक कल ही पढ़ा गया। इमाम ने वो फरमान गिनानों के मुतालिक किया। मौला फरमाते हैं कि मुसलमानों के अंदर कुरान को हिफ्ज करते हैं, मेमोराइज करते हैं, जिनको हफाज कहते हैं, हाफिज कुरान जो हैं वो कुरान को सारे मुंह पे याद करते हैं। लेकिन कुरान में क्या लिखा है, क्या सेंस है, किसी को पता नहीं। तिलावत करो, समझते हैं कि तिलावत करने से सवाब मिलता है, मगर खुदा ने क्या कहा उसको कोई जानता ही नहीं। हमारे यहां भी ऐसा ही हो गया, गिनान याद करो, गिनान याद कर लिए,
छोटे छोटे बच्चे भी गिनान बोलते हैं, बड़े भाई भी बोलते हैं, बहनें भी बोलती हैं, सब लोग गिनान बोलते हैं। तो वो ऐसा ही है ना कि जैसे ये हाफिज कुरान है, याद कर लिया, गिनान बोल लिया, मगर गिनान में क्या लिखा है, पीर क्या कहना चाहते हैं वो समझे। हम तो गिनान इस पर लिए बोलते हैं कि जमात खाने के अंदर गिनान बोलना चाहिए, इसलिए गिनान बोला जाता है। न बोलने वाले को गिनान की सुध है, न सुनने वाले को गिनान की सुध है। बोलने वाला बोल रहा है तो सुनने वाले बातें कर रहे हैं, बोलने वाला बोल रहा है तो सुनने वाले कभी बातें नहीं करते, तो कोई दुनिया की और ख्यालों के अंदर पड़े हुए हैं। गिनान ध्यान को कोई पढ़ता ही नहीं। मुझे एक बात याद आ गई, बहुत बरस पहले मैंने किसी वाज में इसका जिक्र भी किया था। आगरे की बात है ये, आगरा के अंदर यमुना नदी है। एक बहुत बड़ा पंडित ब्राह्मण, नेक इंसान था, बड़ा मालदार भी था, आबिद भी था, वेद का माहिर था, मगर हिंदू था। खुदा ताला ने दुनिया के अंदर बहुत से किस्म के मजहब जो उसने बनाए, मजहब तो एक ही रहा मगर अलग अलग फिरके बनते गए। तो खुदा ताला सिर्फ मुसलमानों का नहीं, कोई भी मजहब के अंदर जो नेक और अच्छे लोग हैं उनकी नेकी और इबादत का इवज अल्लाह देता है। ये आदमी हर रोज सुबह सूरज निकलने से पहले अपने मजहब के हिसाब से नदी के किनारे पे जाए, नहा के वापस आए और एक घंटे तक अपना जो कुछ भी उसके मजहब का उसूल था उसके ऊपर वो पाठ करे, तस्बीहां निकाले, खुदा का ध्यान लगाए। एक दिन वो इसी तरह से वापस आ रहा था, अभी तक अंधेरा था, तो उसको रास्ते के अंदर कोई एक किताब पड़ी हुई मिली, तो उसने वो किताब उठा ली, अपना पाठ वगैरह किया, दिन चढ़ आया तो उसने ख्याल किया देखूं तो सही कौन सी किताब है। खोल के देखा तो वो कुरान था। ये सोच के कि ये भी मुसलमानों की मजहबी किताब है, मैं मुसलमान तो नहीं लेकिन किसी मजहब की किताब है, तो उसने उसको अच्छी तरह से साफ किया और धूप लोबान के ऊपर उसको भी रखा, और जिस तरह अपनी गीता रामायण वगैरह वो रखता था उनके साथ इसने कुरान भी रख दिया। पढ़ना तो नहीं आता था मगर इसने रख दिया। हर रोज जिस तरह से वो अपनी गीता रामायण वगैरह को, अपनी मजहबी किताबों को वो धूप लोबान देवे और सिर को लगा के चूमे, उसने इसी तरह से कुरान को भी ऐसा खोले और चूम के उसको रख देवे इज्जत देने के लिए। पढ़ना नहीं जानता था। उसने महसूस किया कि जिस दिन से कुरान घर में आया है उस दिन से उसके घर में सुख शांति मोहब्बत इज्जत वगैरह बहुत बढ़ गई, उसका एतकाद और भी अच्छा हो गया। बरस दो बरस के बाद एक दिन दुकान पे बैठा था, एक मुसलमान फकीर निकला, उसको अंधा था आंख से, उसको पता नहीं था कि यह हिंदू की दुकान है, कहीं बाहर से आया होगा। तो इसकी दुकान के ऊपर आके कहता है अल्लाह के नाम पे मुझे कुछ दो, मैं हाफिज कुरान हूं। उसके मुंह से हाफिज कुरान का लफ्ज सुन के तो ये ब्राह्मण ये अपनी जगह से उठ के बाहर आया, कहते बाबा हाफिज कुरान का मतलब क्या? कहते सारा कुरान जी, मुझको जबान पे याद है, आप जहां से कहें जोन सी आयत कहें मैं आपको पढ़ दूं। कहते सचमुच? हाँ साहब, अल्लाह की कसम जहां कहो मैं पढ़ दूं। लेकिन तुम सचमुच कुरान जानते हो? कहते हाँ। और दो चार आयतें उसने पढ़नी शुरू की। कहते नहीं मेरे भाई, तुम कुरान नहीं जानते। अरे साहब मैं कुरान पढ़ रहा हूं।
कहते देखो मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं ब्राह्मण हूं। तो वो जाने लगा तो उसने पकड़ा, ठहरो, मुझे एक दिन रास्ते में कुरान पढ़ा हुआ मिला, मैं ले आया घर पे, और जिस तरह ईश्वर ने और सी किताबें लिखी हैं, तो यह भी एक ईश्वरी किताब समझ के मैंने इसको इज्जत देनी शुरू कर दी और अपनी गीता रामायण के साथ रखता हूं। मगर जिस दिन से कुरान मेरे घर पे आया मुझे बहुत बरकत हुई है। और तुम हो कि तुम्हें सारा कुरान याद है और भीख मांग रहे हो, तुम्हें कुरान नहीं आता, जाओ चले जाओ। बात सच थी। अगर महज कुरान रखने से उसको इतनी बरकत मिली तो इसको तो कुरान पढ़ने और याद करने से तो खुदा कितनी बरकत दे दे। मगर उसने इस कुरान को भीख मांगने का जरिया बनाया। आज हम भी इसी तरह से गिनान पढ़ते हैं, वक्त गुजारने के लिए गिनान पढ़ते हैं, लेकिन हमें गिनानों का कुछ पता नहीं। दो चार होंगे जिनको शौक है कि गिनान पढ़े जाएं, सीखे जाएं, समझे जाएं और उनके ऊपर अमल किया जाए। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि ने फरमाया कि अगर तुम पीरों के गिनान पढ़ो और समझो और अमल करो तो मुझे फरमान करने की जहमत न करनी पड़े। मैं इसलिए फरमान करता हूं ताकि तुमको मैं यादियां कराता रहूं। एक वो जमाना था, घर की औरतें घर का कामकाज करती हों, बर्तन धोती हों, खाना पकाती हों, गिनान बोलती हों। एक वो जमाना था तो कि गिनान की महफिलें होती थी, भगत लोग एक दूसरे के पास बैठे होंगे और गिनान के मतालब के ऊपर चर्चा करते होंगे, और कुछ भी बात निकले तो पीर ने ऐसा फरमाया उसके ऊपर वो अमल करते होंगे। मैंने आपको एक दिन जिक्र किया एक वाज के अंदर के मौलाना इमाम हसन अली शाह माँ बाप के जमाने के अंदर वजीर इस्माइल थे, वजीर इस्माइल गांगजी, उसकी जिंदगी ने जब पलटा खाया और इमाम का वजीर बना, इमाम के घर की खिदमत में पड़ गया, आहिस्ता आहिस्ता उसका इश्क बढ़ता गया, तो उसका सारा स्पेयर वक्त वो भक्तों के साथ रखे। जूनागढ़ के जमात खाने के अंदर वजीर इस्माइल ने जो मेहनत की गिनानों के मुतालिक, उसकी खबर हमको कहीं चौपड़ी में से नहीं मिली, मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के मुख मुबारक से मिली। ये जो मैं बात आपको सुना रहा हूं ये इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के मुख मुबारक की बात है कि वजीर इस्माइल ने गिनानों की बड़ी सेवा की, उसने गिनान इकट्ठे किए, भक्तों को बुला के उसने तमाम शास्त्र को रिवाइज कराया। उसके असल राग जो पीरों के जमाने से चले आते थे वो राग उसने कायम करवाए। हम मिशनरियों में एक दफा इस किस्म की चर्चा होती थी कौन से गिनान का कौन सा राग, तो इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के हुजूर में मिशनरियों की एक मेहमानी में अर्ज रखी गई, तो मामा फरमाया फॉलो जूनागढ़, जूनागढ़ को फॉलो करो, रागों के अंदर और अल्फाज के अंदर जूनागढ़ को फॉलो करो। मामा फरमाया वजीर इस्माइल ने इसके मुतालिक बहुत मेहनत की। दो शख्सों ने हमारे इस गिनानों की जो खिदमत की है वो अभी तक किसी और ने नहीं की, और दोनों शख्सों के लिए इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने बहुत उनकी तारीफ फरमाई। एक तो ये वजीर इस्माइल और दूसरे मुखीलाल जी देवराज। इधर एक आदमी बैठा है जो मुखीलाल जी देवराज के कुटुंबियों में से होता है, ये मेवा वाले बैठे हैं हमारे इधर। मुखीलाल जी देवराज ने भी गिनानों की बहुत खिदमत की। तो वजीर इस्माइल के जमाने में
शाम के वक्त भगत बैठे होंगे, तीन सौ और पैंसठ दिन होते हैं एक बरस में, और हम मैं सुबह से शुरू करूं, परोड़ी है इबादत से पहले गिनान शुरू होवे, शास्त्र पढ़ा जाए जैसे के मन समझानी, भुज निरिंजन, सी हरफी, सत्वेनी, सत्वेनी निवेल, ये परोड़िए इबादत से पहले पढ़ी जाए, क्योंकि इन चीजों के अंदर इबादत के तरीके और रूह की मंजिलें और अल्लाह पाक के इश्क मोहब्बत की बातें हैं। उस जमाने के अंदर इबादत जो थी रात को दो बजे से पांच बजे तक थी, लेकिन भगत लोग रात को बारह बजे आ जावे, थोड़े थोड़े पाठ बोले जाएं, इबादत के बाद विनती बोली जाए, उसके बाद नीचे उतरें और दुआ वगैरह से पहले गिनान बोला जाए, फिर दुआ के बाद जब ही घटपाट होवे तो घटपाट का बैठा गिनान होवे, घटपाट का उभा गिनान होवे, वो तो सेटअप है, लेकिन सुबह दुआ से पहले प्रभाती सुबह के चौगड़िए बोले जाए, फिर जब ही रात को मगरिब के वक्त जमात इकट्ठी हो गए तो जमात से पहले भगत साहब लोग आ जाएं, वजीर इस्माइल खुद भी बहुत पहले आ जावे और गिनान बोले जाएं, उसके बाद दुआ के बाद गिनान बोले जाएं, कभी कभी वाज होवे, तो इतने रोज गिनान बोले जाएं, वजीर इस्माइल को हसन अली शाह महबूब ने सारे काठियावाड़ का सर मुख्तियार बनाया हुआ था, वे किस्म का इमाम का प्रतिनिधि था, मुखी कामड़िया की अपॉइंटमेंट भी वो करते थे। भक्तों को ये ऑर्डर था कि अगर किसी भगत ने एक ऐसा गिनान बोला कि जो महीने दो महीने पहले या कुछ महीने पहले किसी और आदमी ने बोल लिया है, यानी तुमने जो रिपीट किया, तो उसको दो महीने तक गिनान के एक महीने तक गिनान बोलने की रजा नहीं। वजीर कहते थे कि एक गिनान बोलो, एक बरस तक वो गिनान रिपीट नहीं होना चाहिए, और नहीं होता था। किसी भगत ने कभी ये मिस्टेक कर दी तो उसको एक या दो महीने तक गिनान बोलने की ड्यूटी बंद, तो वो रोता था बेचारा। अब ख्याल करो कि हमारे पास कितना शास्त्र होगा, है 73 किताबें हैं हमारी, 73 चौपड़ियां हैं जो आप मिलती हैं, थी तो बहुत ज्यादा थी। कारारूढ़ा मिशनरी ने एक जगह लिखा है कि हमारे शास्त्र के 1 करोड़ पाठ, 1 करोड़ 10 मिलियन पाठ टोटल हैं, लेकिन इस वक्त तक बहुत सा शास्त्र गुम हो गया, फिर भी मुखी लालजी देवराज ने मेहनत करके जो इनको छाप छाप के बाहर निकाला, ये छपी हुई 73 किताबें हैं, इन सब को इकट्ठा करो तो 7,500 पेजेस होते हैं। 8-10 गिनान बोल लिए, बस यही आज हमारी चीज रही। आप में से ऐसे आदमी निकलो जो गिनानों की स्टडी करो। पीर ने कहा है कि गिनान ध्यान वेद वाच से, वेद वाय के नहीं कोई वांचनहार, पढ़े हैं किताबों में उसको पढ़ने वाला कोई नहीं, ये 5-7 गिनान पढ़ के छोड़ दिया, इससे कुछ नहीं। बस ऐसे गिनान है जिसका हो सकता है कि जमात में कोई उसका साथ नहीं देवे, लेकिन 2-4 दफा पढ़ोगे तो इसका साथ भी होएगा। बस ऐसे गिनान है कि जो उन गिनानों को आप लोग साइक्लो स्टाइल करके, तो जो
शौकीन रहे, जो साथ गिनान बोलने वाले उनको दे दो, पढ़ने वाला भी पढ़े और वो भी पढ़े, गिनानों की इस तरह तरक्की होवे, गिनानों का फैलावा होवे। फिर कहते हैं पाना पुस्तक सर्वे ओढ़व्या, पाने फिराए मगर वस्त गई रे वसार, उसके अंदर जो चीज है वो बिसर गई यानी भुलाई गई, भुलाई गई। फिर दूसरे तीसरे पाठ में फरमाते हैं हे जी सती रे साचो कोई नायो चरे, सती में लिया सत धर्म ना आचार, जे कोई सत धर्म पाड़ता गया न मेरी अपार। जो मोमन होंगे सती ते साचो कोई ना उचरे, सच्चे मोमन बहुत थोड़े रह जाएंगे और सच्चाई की बात नहीं करेंगे। ओचरे मीन कहना, अनाउंस करना, मोमन होकर भी डरेंगे, सच्ची बात कहने से घबराएंगे, कोई मेरे को ठपका देगा तो। सती रहे साचो कोई ना ओचरे, सत्य मेलिया सत धर्म ना आचार, मोमनों ने अपने मोमनपन के जो तरीके थे, आचार कहते हैं अमल, विचार का मतलब थॉट्स, आचार यानी अमल, मोमनों ने अपने अमल छोड़ दिए। ये कोई सत्य धर्म पाड़ता, फिर भी अगर कोई सच्चाई के ऊपर चलेगा तो फरमाया ते थया न मेरी अपार, उसको कहेंगे ऑर्थोडॉक्स, अरे कुछ नहीं बुद्धू है, उसको डिस्कार्ड कर देंगे। नमेरी का मतलब यह है कि डिस्कार्ड कर देना, अवॉइड करना उसको। जो बेचारा सच्चा होगा उसको ऑर्थोडॉक्स समझ के अवॉइड करेंगे, ये तो जूनी रूढ़ी का आदमी है, वो जमाना आज है ना। एक तो यह है कि जो मोमन है उस आदमी ने सच्चाई कहने से डर फील कर लिया, हिम्मत नहीं है कि सच कहे, और सच कहने के लिए हिम्मत चाहिए, और कभी कभी सच कहने में तकलीफ होती तो दुख उठाना भी चाहिए। मगर पीर फरमाते हैं मोमनों ने यह बात छोड़ दी, मोमनों ने सच्चाई और मजहब के ऊपर हिम्मत के साथ अमल करना छोड़ दिया। फिर भी कोई आदमी अगर धर्म ईमान के सच्चे रास्ते पे चलेगा तो कहेंगे छोड़ दो इसको, ये तो जूनी रूढ़ी का आदमी है, ऑर्थोडॉक्स है, बुद्धू है। क्योंकि आज के मॉडर्न जमाने के अंदर हमको ये पुरानी बातों की तरफ कौन खींचता है। हजरत इमाम फरमाया बाप दादा की ट्रेडिशन को संभाल के रखो, तुम्हारे बाप दादा जिस मजहब के ऊपर चले उनकी रीत को तुम अपनाओ, और आज की दुनिया के हिसाब में मत पढ़ो। माँ बाप ने उधर लंदन के अंदर नाम इस तरह से लिया कि तुमने ये जो मजहब लिया है तो तुम जिधर भी रहो, लंदन में रहो क्यों न्यूयॉर्क में रहो, मगर अपने मजहब की प्रणालिका के ऊपर, अपने बाप दादा की रीत के ऊपर चलो। और ये चीजें हमारे बाप दादा की रीत हैं। हजरत इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि फरमाते थे कि जिस तरह तुम एक दूसरे को खत लिखते हो कि फलानी चीज के भाव ताल पूछते हो, व्यापार के जो खत वगैरह लिखते हो यानी कमर्शियल कॉरेस्पॉन्डेंस जो होती है, तो इमाम फरमाते हैं कि इसी तरह से तुम यारों दोस्तों को मजहब की और गिनान की फरमान की भी चीजें लिखो। किसी यार दोस्त को लिखो आज मैंने गिनान के अंदर ये पढ़ा और मेरे ख्याल में उसका मतलब ये है, तुम्हारा क्या ख्याल है। ऐसे भी कॉरेस्पॉन्डेंस करो कि जिसके अंदर तुम मजहबी डिस्कशन करो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस किस्म के खत तकरीबन सारी दुनिया से आते रहते हैं और मैं खुश होता हूं
बच्चे सवाल करते रहते हैं, फिर उनको मैं जवाब देता हूं। पहले मैं इकट्ठे नहीं रख करता था, लेकिन अभी थोड़ा वक्त हुआ तो ये सवाल वगैरह बढ़ते जाते हैं, तो मैं अभी उसका रिकॉर्ड रखता हूं ताकि किसी दिन काफी हो जाए, 100-200 इकट्ठे हो जाए, तो इंशाल्लाह उसके जवाबों को फिर मैं शाया करूंगा, पब्लिश करूंगा, ताकि दूसरों को भी उसके अंदर फायदा होवे। थोड़ा टाइम पहले पाकिस्तान में एक अपनी बच्ची टीचर है, उसने मुझे सवाल पूछे एवोल्यूशन की बाबत में कि गिनानों के अंदर हमारे लिए एवोल्यूशन की कोई ऐसी कोई इंडिकेशन है। और दूसरा सवाल उसने ये किया कि ये 184 क्या चीज है। तो मैं बहुत खुश हुआ, उसके लिए मैंने जवाब तैयार किए और उसको भेजे, इधर है मेरे पास, मैंने उसकी थोड़ी सी कॉपियां बनाई है, इंशाल्लाह मैं एक या दो कॉपियां टीचर्स के अंदर दूंगा। तो इमाम फरमाते हैं कि तुम अपने कुटुंबियों को, यारो दोस्तों को गिनान फरमान वगैरह की मजहबी बातें भी लिखो, पूछो। जी माताए, कैसा खराब टाइम आएगा उसके लिए। फरमाते हैं माताए माया मेली बड़सो थया आप स्वार्थी जीव हेत हेता रस टूट से सगपन टूटे बे बंदव वीर कली काल कल युग वापियो ए वीरा भाई वापियो। फिर फरमाते हैं वो जमाना आएगा कि अपने बालक के ऊपर से, बेबी के ऊपर से मां की मोहब्बत उठ जाएगी। कितनी सही चीज है। कई ऐसी बाइयें हैं, शायद इधर ना हो, लेकिन इस किस्म के बनाव अफ्रीका में बने हैं, यूरोप में बने हैं। अपनी जमात की बात करता हूं कि हमारी बाइयां अपने मौज शौक और हार सिंगार में पड़ी होती हैं और बच्चों को याया या नौकर के सुपुर्द कर देती हैं। वो नौकर और याया उन बच्चों के ऊपर जुल्म भी करते हैं, रोजी कमाने के लिए। तो कई आइयां बाइयां हैं कि वो अपने बेबी सीटर के पास बच्चे को छोड़ जाती हैं, लेकिन मां जिस तरह एक बच्चे को संभाल सकती है वो दूसरी तो नहीं संभालेगी ना। पैसे की खातिर, पैसे क्यों चाहिए? अच्छा फर्नीचर चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, दरदगीने चाहिए, आधी रोटी खाओ, आधी रोटी खाओ, सुख की खाओ, बड़ी रोटी के पीछे मत पड़ो। अच्छे कपड़े, दरदगीना, मोटर बंगला, क्या है इसके अंदर? हाँ, खुदा ताला ने ऐसी तौफीक, ऐसी आमदनी दी है तो रीत सर का अपना स्टैंडर्ड अच्छा रखो, कोई खराब नहीं, मगर अपनी औलाद का ख्याल करो। पीर फरमाते हैं कि मां के दिल से बेबी की मोहब्बत निकल गई, हया आप स्वार्थी जीव। जब मां के दिल के अंदर स्वार्थपना आ गया तो फिर दुनिया के अंदर प्रेम कहां से ढूंढोगे? हेत हेतारस टूट से, एक दूसरे की प्रेम मोहब्बत टूट जाएगी और दो सगे भाई आपस में लड़ेंगे। देखा ना, सगपन टूटे बेबंधव वीर, भाई भाई एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे, स्वार्थी हो जाएंगे, आपस में चले जाएंगे, मां बाप भुलाए गए, सगा भाई भुलाया गया, दुनिया के अंदर ऐसा स्वार्थपना आ जाएगा। मगर ये कलयुग किन को नड़ेगा कि जिनके दिल के अंदर से ईमान घटता जाएगा, इमाम की मोहब्बत घटती जाएगी
उसको दुनिया पकड़ लेगी। एक दफा अली शमाबाप सल्वतुल्लाह अलैहि बैठे थे सरकार, मौलाना अली शाह की आदत थी, ये मैं उस वक्त की बात करता हूं कि जब इमामत का वारा मौलाना हसन अली शाह के पास था और उनके फर्जंद अली शाह पीरी जामे में थे। हसन अली शाह माँ बाप की जब वफात हुई तो इमामत अली शाह माँ बाप को मिली, मगर फिर इन्होंने जल्दी से अपने बड़े बेटे को पीरी जामा दे दिया, जिसका नाम था पीरागा शाहबुद्दीन शाह। ये ट्रू मीनिंग ऑफ रिलीजन जो है ना, ये रिसाला आगा शाहबुद्दीन शाह का है, सुल्तान मोहम्मद शाह के बड़े भाई थे। अली शाह माँ बाप की इमामत 4 बरस चली। तो ये पीरी जोमे की बात है, वाड़ी के अंदर बॉम्बे में मौला के बंगले थे, मौला उधर रहा करते थे। सेंटर में एक बहुत बड़ा हौज है, फवारा था, फाउंटेन। मेरे दादा ने अपनी आंख से देखा है, उन्होंने लिखा अपनी किताब में कि मौलाना अली शाह माँ बाप रात को 2 बजे बंगले से नीचे उतरे और इस हौज में पानी के अंदर कमर तक पानी था, पानी के अंदर अली शाह माँ बाप पानी में खड़े होके रात के 2 बजे से 5 बजे तक 3 घंटे इबादत करते थे। पीरी जामे की बात है। और सारी दुनिया के इस्माइलियों के लिए फिर दुआ मांगते थे हर रोज। अभी तो वाड़ी के अंदर जो साहब के बंगले थे सुल्तान मोहम्मद शाह के टाइम के, वो सब टूट गए, उधर अपनी बिल्डिंग सोसाइटियां बन गई हैं, एक हॉस्पिटल बन गई है। लेकिन मौलाना हजर इमाम शाह करीम सलवातुल्लाह अलैह ने हुक्म फरमाया है कि ये जो हौज है, ये फाउंटेन रहने देना, इसको बिल्कुल छेड़ना नहीं। अभी उसमें पानी नहीं है, रेती से उसको भर दिया है, लेकिन हजर इमाम फरमाया इसको रहने देना। ये वो पाक जगह है कि जिसके अंदर इसके दादा के बाप इसमें उतर के इबादत किया करते थे। और बहुत दफा हसन अली शाह माँ बाप बैठते थे, जमात ऐसा बैठ जाती थी, वाज करते थे। वाज करना नबियों का काम है, वाज करना पीरों का काम है। फिर उनके हाथ के नीचे आमिल और भगत और मुबल्लिग और मिशनरी होते हैं। तो मेरे दादा लिखते हैं, एक दिन हम लोग बैठे थे मौलाना अली शाह माँ बाप पीर सलामत के जौमे में आवाज कर रहे थे, हुजूर कुर्सी पे बैठे थे, जमात नीचे बैठी थी ओपन में। ऐसी ऊपर निगाह डाली तो 3 परिंदे उड़ रहे थे, एक के पीछे एक जा रहा था। अली शाह माँ बाप ने जमात को कहा, है जमात ये देखो, ये 3 पंछी हैं, 3 परिंदे एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। वो जो सबसे पहले है ना, उसकी मिसाल है मेरे मोमन की, और जो दूसरा है उसकी मिसाल है दुनिया, और जो तीसरा है उसकी मिसाल है दुनियादार। मौला फरमाया मेरा मोमन उड़ता है, यानी अपनी जिंदगी गुजारता है, दुनिया मेरे मोमन के पीछे भागती है, लेकिन मेरा मोमन दुनिया के हाथ में नहीं आता, और दुनियादार जो है वो दुनिया के पीछे भागता है तो दुनिया उसके हाथ नहीं आती। कितनी हिकमत की इलम की बात फरमाई हुजूर ने। जो असल लोग हैं, असल से मेरा मतलब सती हैं, मोमन हैं, वो दुनिया में रहते हैं, इसलिए रहते हैं कि मौला ने दुनिया में उन्हें भेजा है कि तुम दुनिया में रहो, बाल बच्चे वगैरह का ध्यान रखो, अपनी रोजी भी कमाओ और इबादत बंदगी करो, लोगों को, दूसरों को, अपनी औलाद वगैरह के अलावा भी सबको इबादत बंदगी खुदा का रास्ता बताओ, ये हमारी जिंदगी का मकसद है। लेकिन हम लोग मौज शौक में पड़ गए, ऐश आराम खाना पीना। तो हुजूर फरमाते हैं यहां तक खराब हालत हो जाएगी कि मां भी अपने बच्चे को छोड़ के मौज शौक में पड़ेगी, उसके दिल के अंदर से भी स्वार्थ पने की वजह से बच्चे की मोहब्बत निकल जाएगी।
हितारस टूट से प्रेम मोहब्बत निकल जाएगी। मैंने बहुत दफा देखा है, अब तो मैं कम कर दिया, लेकिन पहले कभी कभी बरस में दो चार दफा कभी मन हुआ तो किसी यार दोस्त के साथ सिनेमा जाया करता था। सिनेमा देखना कुछ गुनाह नहीं, अगर फुर्सत ऐसी हो सके कि कोई दूसरी चीज आड़ी नहीं आती तो। कभी कभी सिनेमा में देखते हैं तो 6 महीने का बच्चा लेके माँ सिनेमा देखने आती है, वो बच्चा बेचारा रोता है, उसको बेचैनी होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, उस बेचारे को आराम से सोना भी नहीं मिलता, लेकिन माँ अपनी मौज के कारण से बच्चे को दुखी कर रही है। तो वो पीछीस पीर ने यहां फरमाई है। ऐसी तो और भी बहुत सी बातें हैं, एक गिनान के अंदर यह भी पी सदर दिन का गिनान है कि ऐसा वक्त आएगा कि मां अपने बच्चे को छोड़ देगी, और आज वो बनाव दुनिया में बन रहे हैं, स्वार्थव्रती सेल्फिश पना खुद गर्जी की वजह से दो सगे भाइयों का सगपन टूट जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा। पांचवा पाठ फरमाते हैं, जी गुरु ने जजमान नहीं कोई मान से, प्रजा नहीं माने राजा नी आन, सुकल नारी लज्जा लूप से कंपन लागी चारे खान। ऐसा वक्त आएगा, पीर फरमाया कि गुरु को अपना मेहमान बनाने के लिए कोई तैयार नहीं होएगा। हजर इमाम आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे में ऐसा कलयुग नहीं आया, और मौला हमारी जमात में से कलयुग को दूर रखे, जो कि हमारी जमात के ऊपर भी ये सब चीजों का असर हो रहा है। मौलाना हजर इमाम हमसे दूर हैं तो याद आते हैं, लेकिन माँ बाप कभी हर रोज हमारे अंदर आके बैठे ना तो पहले दिन जमात बहुत होगी, दूसरे दिन घट जाएगी, तीसरे दिन घट जाएगी, 8 दिन के बाद हजर इमाम आएंगे तो मुखी कमरिया होंगे, फिर कोई नहीं होएगा। आपको मालूम है मौला पेरिस में रहते हैं, 50 किलोमीटर है खाली, 30 माइल, 3-3 बरस हो जाते हैं जमात खाने में, कभी नहीं आता। इमाम हमसे जाहिर भाने दूर रहता है, क्योंकि कभी वो भी हर रोज आ जावे हमारे अंदर तो हमारे अंदर से भी जाम निकल जाए। पीर फरमाते हैं गुर ने जजमान नहीं कोई मानता, कभी गुर पीर आ जावे तो उसकी एक दिन मेहमानी करेंगे, दूसरे दिन छोड़ देंगे। प्रजा नहीं माने राजा नी आन, प्रजा खड़ी हो गई ना शाह ऑफ ईरान के विरुद्ध में, जाओ निकल जाओ भाग जाओ, राजा की आन नहीं मानी। आज दुनिया के अंदर बहुत थोड़े राजा रह गए, 360 से ऊपर तो राजा रजवाड़े खाली हिंदुस्तान के अंदर थे, आज कोई नहीं। यानी प्रजा का राज होगा, मतलब पीर ने कितने 600 बरस पहले इस हालत को जाहिर किया है इन शब्दों के अंदर कि प्रजा का राज होगा, राजा निकल जाएंगे। हम इसको नाम देते हैं डेमोक्रेसी, मगर ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो हिपोक्रेसी है। फरमाते हैं कि सुकल नारी लज्जा लूप से, औरत के अंदर खुदा ताला ने बड़ी शर्म रखी है, लेकिन फरमाते हैं कि सुकल नारी एक नेक औरत भी बेशर्म हो जाएगी, लाज छोड़ देगी, सामना करेगी। कुटुंब कबीले के अंदर भी सास बहू के साथ, सास ससुर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ सुकल नारी लज्जा लूप से, फिर तो ऐसी बात बनेगी कि कंपन ला गई चारे खान। औरत दूसरे मर्दों के साथ घूमे फिरेगी, नाचेगी, बदी बुराई भी करेगी,
मर्द भी घर में है, छुपी रीत से ये सब काम करे, तो फिर फरमाते हैं कि चार खान ये देख के कांप जाएगी, लर्जेगी। चार खान कौन सी? पीरों के कलाम में से हमें चार किस्म की तरीके हैं जिससे खुदा ने दुनिया में लाइफ की सृष्टि सोर्स और उसकी मेंटेनेंस रखी। पीरों ने उसका नाम रखा सबसे पहले शीतेज खान, दूसरी जरेज खान, तीसरी इंडेज खान, चौथी उज्रबुद खान। ये गिनानों के अंदर ये नाम है। शीतेज खान के अंदर बैक्टीरिया, जर्म्स और इंसेक्ट्स आते हैं कि जो मल्टीप्लाई होते हैं, जिस तरह फिशन है ना। मिसाल आपको दूं, अर्थवर्म है, वो सांप की तरह लंबा होता है लेकिन बिल्कुल हार्मलेस है। अर्थवर्म तो हम बहुत दफा पकड़ के मछलियां पकड़ा करते थे। गीली जमीन को खोदो तो उसके अंदर से वो अर्थवर्म निकलता है, उसको बीच में से काट डालो छुरी से तो एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा, और चंद घंटों के बाद दूसरी तरफ भी उसका मुंह निकलेगा, क्योंकि अर्थवर्म डबल मुंह होता है, दोनों साइड उसके इंजन होते हैं, वो इधर भी जा सकता है इधर भी जा सकता है, लेकिन बीच में से काट डालो तो दोनों फिर जिंदा भी रहेंगे और चलेंगे, एक इधर चले जाएगा एक इधर चले जाएगा। इसको कहते हैं फिशन, यानी एक से दो हो जाना। और जितने भी बैक्टीरियाज हैं वो इसी तरह से एक से दो, दो से चार, चार से आठ, आठ से सोलह, ऐसा मल्टीप्लाई होते हैं। ये सारी शीतेज खान है। दूसरी है वो जड़ेज खान है कि जिसमें सीड होता है, बीज। जैसे कि आम का दरख्त लगाना है तो या तो बीज से डालो, और या फिर बहुत से फल के जो दरख्त हैं उसकी एक टहनी काट के ट्विग लगा दो तो उसमें से भी पकड़ते हैं। चौथी है इंडेज खान। इंडेज खान जो होते हैं वो जानवर के जो अंडे में से पैदा होते हैं। और चौथी है यानी ताकत है। हमारे पीरों ने किए भी उस जमाने के अंदर आज की तरह लेबोरेटरीज और माइक्रोस्कोप वगैरह नहीं थी, लेकिन पीर सब कुछ जानते थे। जिंदारों पीरों की बात निकली है तो हमारे गिनान कितने साइंस से भरे हुए हैं। आपको कल दूसरे गिनान जो मैं लूंगा ना कल, उसमें से आपको पता लगेगा, लेकिन आज मैं आपको बोलूं, फिर सदरदीन को 600 बरस हुए और ये बैक्टीरियोलॉजी जो है ये मुश्किल से 100 बरस पुरानी है। एक पाठ है पीर का। जिरे वीरा आघट जिरे वीरा आघट अनत मूरत हंस रूपी ने अनत सूरज ने चंद्र रे वीरा। इस घट के अंदर ये दूसरी कड़ी है, इसके पहली कड़ी मगज में से निकल गई। फरमाते हैं कि इस घट के अंदर अनत मूरत हंस रूपी और अनत सूरज और चंद्र। हंस रूपी का मतलब लिविंग। देखो हमारी बॉडी जो है वो लिविंग सेल्स से बनी हुई है, करोड़ों काउंटलेस सेल्स हैं हमारी बॉडी के अंदर और उनमें लाइफ है। ये अनंत मूरत हंस रूपी और बेहिसाब चांद और सूरज हैं। ये चांद सूरज हमारे अंदर कहां से आए? जो बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं उनको पता होगा कि हर एक चीज एटम से बनी है, और एटम की जो कंस्ट्रक्शन है, सिंपलेस्ट कंस्ट्रक्शन,
तो उसके अंदर प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज्ड बॉडीज हैं। और प्रोटॉन सेंटर में होते हैं और इलेक्ट्रॉन उन प्रोटॉन्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। तो प्रोटॉन हैं वो सूरज हैं और इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चंद्र हैं। ये ज्ञानों के अंदर 600 बरस पहले हमको बताया गया कि वो सूरज भी है चंद्र भी है। सूरज यानी पॉजिटिव हैं, चंद्र हैं नेगेटिव हैं और उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। एटम की कंस्ट्रक्शन बताई गई और ज्ञानों के अंदर एटम बम का जिक्र भी आता है। एटम को संस्कृत में अणु कहते हैं और पीरों ने एक जगह लिखा है कि अणु के गोले पड़ेंगे। बम का नाम तो इंग्लिश नाम है लेकिन एटॉमिक बम को पीरों ने ज्ञान के अंदर अणु ना गोला, गोला यानी बॉल। तो ज्ञानों के अंदर हमारे पीरों ने ऐसी चीजें रची हैं, जैसे मैंने चार खान की आपको बात सुनाई कि आज सारी जितनी भी लाइफ है ये चार डिवीजन और कैटेगरीज के अंदर है। तो पीर कहते हैं कि औरत जिस वक्त अपनी इज्जत आबरू खत्म कर डालेगी तो चार खान भी है ना, यानी लाइफ की जितनी सोर्सेज हैं वो कांपने लगेंगी, इतनी खराब हालत होगी। छठा पाठ है, हे जी राजा राक्षस रूपे अवतर से अन्याय करशे अपार दहाड़ो दहाड़ा ने लूपशे अंतरे पड़शे दुकाल। जो राजा होएगा, प्रेसिडेंट भी राजा ही है, या जिन मुल्कों के अंदर गवर्नमेंट का हेड पावरफुल होता है, सारी लीगल पावर उसके पास होती है, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है आपके यहां, प्रेसिडेंट है, इंडिया के अंदर प्राइम मिनिस्टर है, ब्रिटेन के अंदर भी प्राइम मिनिस्टर है। तो मतलब यह है कि हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगा वो राक्षस की तरह होगा। इदी अमीन भी राक्षस हुआ ना, हिटलर भी खड़ा हुआ तो क्या किया, मुसोलिनी खड़ा हुआ तो क्या हुआ। ऐसी तो हिस्ट्री के अंदर, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर कितने बनाव बन चुके कि जैसा ही राजा पैदा खड़ा हुआ यानी प्रेसिडेंट बन गया, गवर्नमेंट का हेड बना और उसके पास आ गई पॉलिटिकल सत्ता आ गई तो उसने लोगों के मकान लेने शुरू कर दिए, नेशनलाइज कर दिया, फैक्ट्रियां ले ली, ये ले लिया, वो ले लिया। राजा राक्षस रूपे अवतर से, राजा का मतलब यह है कि प्रोटेक्शन देवे, मगर ऐसा बनेंगे राजा के तुम्हारी सारी दौलत और प्रॉपर्टी हजम कर जाएंगे और खुद मजे करेंगे। ये बनाओ अभी बन रहे हैं और भी बनेंगे। अन्याय कर्ष अपार बेहिसाब इनजस्टिस होगा, न्याय जैसी कोई चीज ही नहीं, तुम्हारे हक के लिए लड़ना खत्म हो गया। यहां तो जो राजा को मंजूर हुआ उसने वही किया। बौद्ध गया ऐसा है कि पार्लियामेंट की कोई ताकत नहीं, अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर जो प्रेसिडेंट्स बने हुए हैं उनकी जो पार्लियामेंट है वो पपेट है, और जो प्रेसिडेंट है नाम है इलेक्शन का, बाकी हैं वो डिक्टेटर हैं, जो चाहे सो करते हैं। 100-150 बरस की वसाहत अफ्रीका के अंदर एशियन लोगों की, पेट काट काट के थोड़े थोड़े पैसे बनाए। कोई आदमी मर गया इसलिए कि चलो मेरी प्रॉपर्टी होगी तो मेरी विधवा और यतीम बच्चों को काम आएंगे, तो बस पार्लियामेंट में एक्ट पास कर दिया, सबकी प्रॉपर्टी ले लो, 10 बरस पुरानी जो प्रॉपर्टी है ले गए। तो ये राजा तो राक्षस बन के खड़े हुए, न्याय जैसी कोई चीज रही नहीं। दहाड़ो दहाड़ा ने लूप से, यानी दिन दूसरे दिन को लूटेगा। किस तरह लूटेगा,
आज 14 अप्रैल की तारीख है, लेकिन कल का जो 15 अप्रैल का दिन होगा वो 14 अप्रैल से ज्यादा खराब होगा। 16 अप्रैल 15 अप्रैल से खराब होगी, 17 अप्रैल 16 अप्रैल से खराब होगी। पीर का कहना इस तरह है कि हर रोज बदियां, गुनाह, तकलीफें, मुश्किलें, मुसीबतें बढ़ती जाएंगी। उसका यह मतलब है कि दहाड़ो दहाड़ा ने लूक से अंतरे पड़ से दुकाल, और आखिर में फिर जबरदस्त दुकाल पड़ेगा, फेमिन पड़ेगा, अनाज की कोथड़ियां बंद हो जाएंगी, अनाज की सोर्सें घट जाएंगी, दुनिया के अंदर दुकाल पड़ेगा। फिर सदर दिन का एक पाठ है, फरमाते हैं वो गिनान है 4-5 पाठ का, लेकिन उसके अंदर बहुत आला दर्जे की चीजें हैं। हे जी अनुपानी ना पर बुजारे सुकस्ते प्यारे स्त्री मेरे रोता बाल बेटो दोनों झगड़ शे ए वो अवश्य खोटो कड़ी काड़े दूध मा देखो वीरा कारम एने दूधे ते पड़ाशो जंजाल हो जी दाग देखो वीरा अली तनो सच्चे मीठे गिनान है। कैसी आवाज पीरों ने रागों के अंदर लगा रखी है। पीर फरमाते हैं अन्न पानी के परब, परब कहते हैं खजाने और सोर्स, सूख जाएगी दुनिया की बस्ती बढ़ती जाएगी, अनाज घटता जाएगा, अन्न पानी घटता जाएगा। जिधर पानी की जरूरत है वहां पानी नहीं होगा, और जहां पानी की जरूरत नहीं वहां बेहिसाब पानी होगा, बर्बाद कर देगा, मकान तोड़ देगा, आदमियों को मार डालेगा। बाप और बेटे आपस में लड़ेंगे। फरमाया कयामत तो जब आएगी तो आएगी, लेकिन ऐसी खोटी कयामत खड़ी हो जाएगी। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की हर बरस रिपोर्ट छपती है, आप उसको पढ़ो तो हमें दुनिया की हालत का पता लगता है। दिन ब दिन अनाज घटता जाता है। रशिया को कम्युनिज्म के अंदर लगभग 62-63 बरस हो गए। रशिया की आबादी भी आपकी अमेरिकन आबादी जितनी है, 23-24 करोड़ आदमी है रशिया में। दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क एरिया के हिसाब से रशिया है, लेकिन 62-63 बरस में भी इतनी टेक्नोलॉजी और इतना सब कुछ होने पर भी एक भी बरस ऐसा नहीं गया कि उन्होंने बाहर से अनाज न मंगाया होवे। कम्युनिज्म सबके लिए पीपल्स गवर्नमेंट, मगर ऊपर के 5-25 आदमी हैं जो मजे करते हैं, गरीब बिचारे भूखे मरते हैं। 62-63 बरस की जितनी भी उन लोगों की रेवोल्यूशन के जमाने के बाद से आज तक ये गवर्नमेंट बनी, रशिया ने कभी अनाज पूरा नहीं उगाया, हर बरस घटता रहता है।
नवे नवे प्लान्स बनाते हैं, 5 बरस का प्लान बनाया उन्होंने मगर पूरा नहीं हो सका। आज रशिया को सोना बेचना पड़ रहा है, 40 मिलियन 4 करोड़ टन अनाज चाहिए रशिया को बाहर से 1 बरस के लिए, अंदर पैदा हुआ तो जुदा, चाइना के अंदर अनाज नहीं, इंडिया के अंदर अनाज घट रहा है, अफ्रीका के वो मुल्क के जो खा पी के दूसरों को अनाज देते थे आज वहां अनाज नहीं है, दुनिया की हालत तो देखो। तो इसके अंदर भी पीर का यही फरमाना है जो पाठ के अंदर है कि अन्न पानी न परब ज्यारे सुख से स्त्री रोता मेले बाल, औरत अपने बच्चे को छोड़ देगी। तो पीर फरमाते हैं कि अंतरे पड़ से दुकाल, आखिर दुकाल पड़ेगा, हो कार हो जाएगी, लोगों को खाना नहीं मिलेगा। एक और गिनान के अंदर पीर फरमाते हैं कि ऐसा खराब हाल होगा कि मोमन पुकार करेंगे, सातवां पाठ है, हे जी रखनहारो लूट से प्रजा करे धनी सो विचार, 999 नदियों सुख से धोरी छांडे धरती नू भार, कली काल कलयुग मां वापियों